हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एसक्यूएल। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। हमने कल बताया था आपको, जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लोग कुछ अलग से कुछ एक्टिविटीज यूज करते हैं। जैसे हमने मान लो हमने क्रिएट किया रोल नंबर, तो रोल नंबर हमने लिखा नॉट नल, ठीक है, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। नॉट नल मतलब क्या होगा कि आप उस रोल नंबर को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, आपको फिल करना ही है, ठीक है। तो सिंपल सा है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट हम ऐड कर सकते हैं यूनिक कॉन्स्टेंट, यूनिक कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं। सेकेंड है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स, थर्ड आपका है डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट, फोर्थ है चेक कॉन्स्टेंट, फिफ्थ है आपका फॉरेन की कॉन्स्टेंट। ये फाइव टाइप के कॉन्स्टेंट्स आपके होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, कैसे यूज करेंगे। अब जैसे यूनिक है, यूनिक क्या डिफाइन करेगा, जो भी आप कॉलम, जिस कॉलम में आप इसका यूज करेंगे उसमें कोई वैल्यू होगी यूनिक होगी, ठीक है। सर रोल नंबर हम लोग यूनिक, सब पर्सन का यूनिक नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, ये सब कैसे होते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। तो यूनिक हो जाएगा। ऐसी प्राइमरी की भी क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता, लेकिन दोनों में डिफरेंस हमने बताया था, वो जो हमने की हमने बताया था आपको, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, ये नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपको फिल करना ही है, उसमें ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसमें ब्लैंक छोड़ सकते, इसमें नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ऐसी डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या होता है, हम लोग पहले से ही वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, पहले से ही वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। मतलब जैसे हमने एक कॉलम बनाया स्कोर का बनाया, तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या लिया उसमें 80 मार्क्स, जैसे 80 स्कोर लिया हमने, तो हमने बाय डिफॉल्ट जो हमने टेबल क्रिएट की है उसी में हमने 80 डिफाइन कर दिया पहले से ही, तो उस कॉलम हमेशा क्या 80 ही आएगा, और आप बाद में एंट्री करेंगे लेकिन उसको बाय डिफॉल्ट पहले ही आपने सेट कर दिया, तो ये डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये चेक हो जाएगा, चेक क्या है, अगर मुझे मान लो किसी कॉलम में हमें 80 से ऊपर ही वैल्यू देनी है, ठीक है, हमने चेक कर दिया कि जो वैल्यू हमारी है स्कोर की वो 80 से अबव हो, यानी स्कोर इज ग्रेटर देन 80 हमने डिफाइन किया टेबल क्रिएट करते समय, ठीक है। तो ये चेक करेगा, अगर आपने इंसर्ट करते समय अगर आपने 79 अगर उसमें इंसर्ट कराया तो क्या ये चेक करके इंसर्ट कराएगा, नहीं कराएगा, वो चेक करेगा वैल्यू गलत होगी आपकी, आप 80 से ज्यादा दीजिए तो वो चेक करेगा। फॉरेन की हमने बताया था, दो रिलेशन, दो टेबल के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट होगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमने बताया था आपको, सेम वही चीज है इसमें, ठीक है। तो लोग सिंपल से कैसे यूज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ। जैसे हमने टेबल क्रिएट की, हमने क्रिएट टेबल है, जैसे हमने स्टूडेंट दिया था, हमने लिखा यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लिखा, हमने क्या लिखा इंट में दिया, इंट देने के बाद अगर ऐसे यूनिक है तुम लोग क्या कॉन्स्टेंट यूज हो रहा है, तुम्हें क्या नॉट नल लगाना है, क्या लिखा नॉट नल, और यहां लिख दिया यूनिक कॉमा, ठीक है। इस टाइप से ही कॉन्स्टेंट हम लोग यूज करेंगे, जैसे हमने यूनिक यूज किया, ऐसे ही हम लोग प्राइमरी की यूज करेंगे, ऐसे डिफॉल्ट का यूज करेंगे, डिफॉल्ट में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, ऐसी चेक का यूज करेंगे, चेक में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, वो चेक करेगा हाँ इससे ज्यादा ना हो। फॉरेन की हमने बताया था, इसके लिए दो टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल हमने बताया तुमको, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। और इतने कॉन्स्टेंट हम लोग यूज करते हैं, फोर टाइप के कॉन्स्टेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं एक ही कॉलम में आप करेंगे, मल्टीपल कॉलम में आप कॉन्स्टेंट का यूज कर सकते हैं। आप जैसे मान लो नंबर यहां दिया हमने नॉट नल और यूनिक लगाया, जैसे हमने दिया
कोई आईडी और दे दी, आधार कार्ड दे दिया या ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, उसमें हमने दे दिया नॉट नल, प्राइमरी की कर दिया, प्राइमरी की लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट, अब जैसे हमारे स्कोर का हमें दिया कि 80 है, तो हमने बाई डिफॉल्ट 80 कर दिया हमने यहाँ पे, बाई डिफॉल्ट 80 वैल्यू आएगा। उसके बाद चेक हमने किसी में कर दिया, जैसे मान लो मार्क्स में कर दिया, जो मार्क्स के कॉलम में जो वैल्यू हमने इंसर्ट कराएंगे 80 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो चेक करेगा। फॉरेन की के लिए हमें दो टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल सी कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। सिंपल से समझा दिया, आपकी बुक में दे रखा है पूरा डिटेल में, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इंसर्शन पढ़ना है कि हम लोग वैल्यू कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने यहां पे टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल स्टूडेंट, हमने लिखा है रोल नंबर, इंटर दे दिया, प्राइमरी की दे दी हमने यहां पे, नॉट नल, उसके बाद नेम दे दिया, जेंडर दे दिया हमने, जेंडर हमने दे दिया, कैर दे दिया, यहाँ पे वन, स्कोर दे दिया हमने, स्कोर में फ्रॉड दे दिया, ठीक है। तो क्या आपका ये चीज आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इंसर्शन का यूज करते हैं, इंसर्ट, ठीक है। हमने बताया था डीडीएल में क्या यूज करते हैं, क्रिएशन यूज करते हैं, अल्टरिंग यूज करते हैं और ड्रॉपिंग यूज करते हैं। ये सब क्या है, इस स्ट्रक्चर का डिफाइन करने के लिए है, इससे जो कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे चेंजमेंट करते हैं, उसमें कैसे उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब आएंगे अंदर का जो डेटा होता है उसको बोलते हैं डीएमएल। इसका क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, इंसर्शन आएगा, इंसर्टिंग हो गया, अपडेटिंग हो गया और डिलीशन हो गया, डिलीट करना, मतलब ये चीज है टेबल के अंदर का जो भाग होता है डेटा का, जो अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं उसके उस पर डिपेंड करता है पूरा डेटा, कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, उस डेटा को कैसे डिलीट करेंगे। ये जो डिलीट है वो टेबल को डिलीट नहीं कर सकता, डेटा को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हम लोग ये तो डिस्कस कर चुके हैं क्रिएशन का, अभी मैंने आपको अल्टरिंग नहीं बताया, ड्रॉपिंग नहीं बताया, वो बताएंगे आगे। हम लोग इंसर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज लिखेंगे, क्या देना हमने वैल्यू दे दी, ठीक है। यहाँ रोल नंबर जैसे मिल गया 101, कॉमा लगाया, यहाँ क्या नेम, वेयर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं स्ट्रिंग टाइप नहीं देना, जैसे मिल गया राहुल, ठीक है, कॉमा लगाया हमने, एड्रेस लिखा, जैसे लिखा मैनपुरी,
यहाँ पे जेंडर दे रखा हमने दिया मेल, कॉमा लगाया स्कोर प्रोडक्ट जैसे मान दिया 80.08 दे दिया, ठीक है। स्टार से कॉन्टैक्ट अस करेंगे, बार बार हम लोग ये दोनों 5 एंट्री कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 5 एंट्री तक इसमें मतलब दोबारा से लिख के उसको रन कराएंगे, ऐसे 5 बार रिपीट करना है, वैल्यू इसमें चेंज करनी है, ठीक है। तो ऐसा लोग इंसर्ट करेंगे वैल्यू इसके अंदर। अब मुझे देखना है पहले मुझे स्ट्रक्चर देखना है इसका कि स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो सिंपल सा है डिस्क्राइब या डैश टेबल नेम, क्या देंगे टेबल नेम सेमी कॉलन। एग्जांपल देखो जैसे मैं स्टूडेंट का है मैं लिखा डैश मैं लिखा स्टूडेंट सेमी कॉलन लगा, तो आपके ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा टेबल का, स्ट्रक्चर क्या है उसका, जो आपने जो कॉलम आपने क्रिएट किए हैं वो ना वो आएंगे, कौन सी की लगी हुई है, ठीक है। जो भी डिटेल्स है वो इससे डिफाइन हो जाएगी आपके स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे यूज करेंगे, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्या लिखेंगे स्टूडेंट सेमी कॉलन। इससे क्या होगा जितने भी डेटा हमने इंसर्ट किया है वो पूरा शो हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, पूरा डेटा शो हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, बहुत इसको आप पढ़ेंगे, कोई डाउट हो तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।